सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि भारत के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट रिव्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यूज चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि लीवा अमृत सिरप का। यह जो सिरप आप वीडियो में देख पा रहे हैं जो कि लीवर की हेल्थ के लिए स्पेशली बनाई गई है और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जैसे कि इसके फायदे, रिजल्ट्स, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या सावधानियां रखनी है, सब तरह की जानकारी। तो कंप्लीट जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले अगर लीवर की बात करें तो बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है वो लीवर रहता है। शरीर के पाचन और मेटाबॉलिज्म में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो रहता है। अगर लीवर कमजोर है या फिर खराब है तो इसका इफेक्ट पूरे शरीर पर देखने को मिलेगा। आजकल के मॉडर्न टाइम में काफी लोगों को लीवर रिलेटेड शिकायत है वो रहती है, जिसके पीछे कारण काम करते हैं शराब का ओवरडोज, ज्यादा मेडिकेशन, अनहेल्दी फूड, कोई बीमारी या फिर जेनेटिकली भी लीवर की हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। लीवर को स्वस्थ करने का सबसे बढ़िया काम नेचुरल हर्ब्स ही कर पाती है, क्योंकि इसका असर है वो लंबे टाइम तक रहता है। अब बात आती है पतंजलि लीवा अमृत सिरप की, तो प्राइस और पैकिंग से हम रिव्यू की शुरुआत करते हैं। आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं यह 200 ml की पैकिंग है और इसकी प्राइस है वो 90 रुपए देखने को मिलती है। बोतल की पैकिंग की क्वालिटी जो है वो अच्छी है। आप इसको पतंजलि के किसी भी जनरल स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी लिंक से आप ऑनलाइन अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि किन किन चीजों को मिलाकर इस सिरप को बनाया गया है। इसमें टोटल 14 तरह की नेचुरल जड़ी बूटियां हैं वो शामिल हैं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, भृंगराज, मकोय, अर्जुन, त्रिफला, सरपुंखा, गिलोय, मुलेठी, कसनी, कुटकी, दारू हल्दी, अमलतास, कालमेघ और शुगर, ये 14 तरह की चीजों को मिलाकर लीवा अमृत सिरप को बनाया गया है। इसके साथ 3 प्रिजर्वेटिव भी शामिल हैं और साइट्रिक एसिड और पाइनएप्पल फ्लेवर भी इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि टेस्ट का कोई भी इश्यू है वो ना रहे। 98% तक मैं इसको नेचुरल कहूंगा। प्रिजर्वेटिव इसके लिए डाले जाते हैं ताकि नेचुरल चीजें है वो जल्दी खराब ना हो। अब बात आती है शामिल चीजों की, तो जैसा कि आपने नाम सुने आयुर्वेद के द्वारा रिकमेंड सब चीजें जो कि लीवर, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को लेकर रहती हैं इसमें ऐड की हुई हैं। एक एक की डिटेल में दूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम सीधा हाउ टू यूज की बात है वो करते हैं। हाउ टू यूज की बात करें तो 1 से 2 चम्मच आपको सिरप है वो लेनी है और पानी के साथ में मिक्स करके पीना है। 1 से 2 टेबल स्पून आपको ये सिरप है वो पीनी है। खाने से आधा घंटा पहले लेना है और 2 टाइम दिन में यूज करना है, सुबह और शाम को। ध्यान रहे आपको खाने से आधा घंटा पहले इस सिरप को पीना है। अगर कोई बच्चा यूज करना चाहता है तो आधा चम्मच यूज करने की सलाह दी जाती है। नॉर्मली 1 से 2 चम्मच आप है वो ले सकते हैं। बोतल को अच्छी तरीके से शेक करें ताकि इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए यूज करने से पहले। बेनिफिट्स और रिजल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर लिखे इंडिकेशन की बात करें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है यकृत दोष में फायदेमंद, यानी कि इसका सीधा सा मतलब आप समझ गए होंगे कि लीवर से जुड़े इसके फायदे है वो देखे जाते हैं, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। पहला फायदा, अगर आपको भूख नहीं लगती तो इस सिरप को आप पी सकते हैं। कुछ लोगों के लो एपेटाइट का इश्यू रहता है और उसी के चलते उनका खाने का मन है वो ज्यादा नहीं होता, जिसका सीधा प्रभाव न्यूट्रिशन और बॉडी के ऊपर पड़ता है। आप यह सिरप 1 महीना तक अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको भूख से संबंधित फायदा है वो देखने को मिलेगा। दूसरा फायदा है वो फैटी लीवर से रिलेटेड है। ओवर मेडिकेशन, एल्कोहल का ज्यादा प्रयोग, इन सब चीजों के चलते या फिर सप्लीमेंट के ज्यादा प्रयोग के चलते लीवर में खराबी है वो आ सकती है और फैटी लीवर सबसे आम समस्या है जो कि आती है। इस समस्या से अगर आप परेशान हैं, यानी कि लीवर में सूजन की समस्या है, तो आप इस सिरप को पी सकते हैं, फायदा है वो देखने को मिलेगा। अगर आप इनडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या के शिकार हैं तो आप इसको ले सकते हैं। अपच की समस्या काफी लोगों को रहती है, जिसके मोस्टली 2 रीजन है वो रहते हैं, अनहेल्दी खान पान और वीक डाइजेशन। लीवा अमृत सिरप आपके डाइजेशन को बेटर बनाएगी। अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जो भी सीने में जलन वगैरह की समस्या है वो रहती है, उसे निजात दिलाने का काम है वो लीवा अमृत सिरप करेगी। अगर आपको गैस या फिर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है तो भी लीवा अमृत सिरप को लेने के बाद में उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी इस लीवा अमृत सिरप के फायदे है वो देखे जाते हैं। आप जो भी खा रहे हैं उसके पूरे के पूरे फायदे आपके शरीर को मिले यह इंश्योर करने का काम करेगी। अगर आपके शरीर को खाया पिया नहीं लगता तो भी आप यह सिरप है वो पी सकते हैं, आपको फायदा देखने को मिलेगा। लीवर यह इंश्योर करता है कि खाने के गुण आपके शरीर को मिले, और लीवर अगर अनहेल्दी है तो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका सीधा सा प्रभाव है वो पड़ेगा। लीवर को मजबूत और हेल्दी बनाने का काम यह लीवा अमृत सिरप करती है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे कि खाया पिया आपके शरीर को लगेगा। लीवर से हानिकारक टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम यह लीवा अमृत सिरप करती है। इसके अलावा लीवर सिरोसिस और कुछ अन्य लीवर रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम में भी इसको रिकमेंड है वो किया जाता है, लेकिन
कोई सीरियस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको यूज करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह है वो जरूर लेनी चाहिए। ब्रीफली बोलूं तो लीवर क्लीन हो और हेल्दी हो और इसके साथ ही लीवर स्ट्रांग बने, इसके लिए लीवामृत सिरप है वो काम करती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई भी साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलते। नॉर्मली अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल इंग्रेडिएंट को मिलाकर यह सिरप है वो बनी है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलते। सावधानियों की बात करें तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर जो महिलाएं स्तनपान करती हैं उनको इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई मेडिकेशन वगैरह आपके चालू हैं, दवाइयाँ चालू हैं कोई सीरियस बीमारी की, तो भी आपको डॉक्टर की सलाह है वो लेनी चाहिए। तो यह था पतंजलि लीवामृत सिरप का कंप्लीट रिव्यू। इस वीडियो में आपको इससे संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी ऐसी मुझे आशा है। कुछ भी सवाल है तो आपको कमेंट करना है और इसके साथ ही भारत के सबसे ट्रस्टेड और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले चैनल हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यूज का भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।